Hello all, welcome to Alisha Academy. This is your educator Shreya Jha, and today we are going to discuss about most expected MCQs. This is the part 5th of in the series of most expected MCQs. So ab tak ke jo hai humne 4 parts discuss kar liye hain jisme jo hai 20 questions each discuss kiye hain. To ab tak ke aapne 4th part agar dekh liya hoga to aapke jo hai 80 questions jo hai ho jate hain most expected MCQs ke series mein. Aur is series ko bahut zyada pyar mil raha hai aapka. Hum continue rakhenge, koshish karenge zyada se zyada is series mein hai video add karte rahe. To aap bhi isko zyada se zyada like share comment kare, apne doston ke sath share kare, taki zyada se zyada jo hai हम आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चंस ला सके. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले रूल्स वही रहेंगे, हम जो है आपके साथ क्वेश्चंस पढ़ेंगे. आप कोशिश कीजिए इसको अटेम्प्ट करने की स्वयं, और उसके बाद जो है हम जब आंसर्स देंगे तो उसको मैच कीजिए और अपने स्कोर्स जो है कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें. साथ ही साथ अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कोई कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए, तो वो भी कमेंट करके हमें बताएं. ज्यादा से ज्यादा जो है हम आपका डाउट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मटेरियल आपके लिए लाने की कोशिश कर रहे हैं. रेगुलरली आप देखेंगे हम ये सीरीज पेपर 2 के लिए जैसे चल रही है, ऐसे ही कॉमर्स और मैनेजमेंट के बच्चों के लिए और जनरल पेपर जो आपका 1 है उसकी भी ऐसी ही 20 क्वेश्चंस ईच की सीरीज चल रही है. तो अब तक के आपने उसको नहीं देखा है तो उसको भी देख ले. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने अब तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि ऐसे ऑसम वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोर्ड हैज फाइनलाइज्ड अ 3-year रोड मैप. सो एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक 3-year रोड मैप जो है फाइनलाइज किया है, नेम्ड फॉर इंप्रूविंग रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ सेंट्रल बैंक्स. सो एक रोड मैप तैयार किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, जिसको तैयार किया गया है रेगुलेशंस और सुपरविजन इंप्रूव करने के लिए. तो उस कमेटी का जो नाम है, जो बोर्ड का नाम है क्या है, प्रगति 2022, वृद्धि 2022, विकास 2022 या फिर उत्कर्ष 2022. तो इसका जो आंसर है वो है उत्कर्ष 2022. नेक्स्ट क्वेश्चन, decline in the price of goods and services is technically known as. So, अगर goods and services की जो है price घटती है उसको technically क्या कहते हैं, deflation, inflation, negative growth या फिर discount yield. तो इसका answer है deflation. अगर technically to decline in the price of goods and services is known as deflation. Next question, in which type of banking electronic financial transactions are done. So electronically banking financial transactions are done in e-banking, POS banking, m-banking या फिर universal banking. The answer is e-banking. Next question, which of the following depicts the financial position of a bank or business enterprise at a given point of time. So at a time, as on जो बात करते हैं, एक financial position as on date कौन सा जो statement है वो depict करता है. Is it balance sheet, cash flow statement, income statement या फिर model audit. So the answer is balance sheet. Next question, which of the following depicts, okay, this is the answer. Next question, the soil health card was first introduced in which state of India by Prime Minister Modi in Feb 2015. So Narendra Modi ji ne pehle term mein soil health card सबसे पहले किस राज्य में इंट्रोड्यूस किया था, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर झारखंड. तो आंसर इसका है राजस्थान में जो है पहली बार सॉइल हेल्थ कार्ड जो है इंट्रोड्यूस किया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज सोशल इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी. लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, लेस नंबर ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इलिटरेसी लेवल या फिर लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी. तो किसको जो है सोशली जो है पॉवर्टी का इंडिकेटर मानते हैं, लेस नंबर ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सन बिलो द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया आर क्लासिफाइड सच बेस्ड ऑन द वेदर. सो पॉवर्टी लाइन से भी काफी क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे. दे आर एंटाइटल्ड टू अ मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड फूड बास्केट. फूड बास्केट के बेसिस पे पॉवर्टी लाइन ड्रॉ की जाती है. दे गेट वर्क फॉर प्रिस्क्राइब मिनिमम नंबर ऑफ डेज इन ईयर, डेज ऑफ ईयर के बेसिस पे. दे बिलोंग टू एग्रीकल्चरल लेबर हाउसहोल्ड, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या फिर कास्ट के बेसिस पे, या फिर डेली वेजेस फॉल बिलो द मिनिमम प्रिस्क्राइब वेजेस. तो इसका जो आंसर है वो है दे आर इंटाइटल टू मिनिमम प्रिस्क्राइब फूड बास्केट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच of the following program was launched in the year
25 दिसंबर 2000. सो 25 दिसंबर 2000 को कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया गया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, या फिर प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना. इसका आंसर है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसको शॉर्ट में हम PMGSY भी कहते हैं. काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए हम थोड़ी सी बात इसके बारे में कर लेते हैं. पहले चरण में अभी इसका जो है तीसरा चरण चल रहा है. पहले चरण की बात कर रहे हैं तो ये लॉन्च हुआ था दिसंबर 2000 में और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? सिंगल ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू एलिजिबल अनकनेक्टेड हैबिटेशन ऑफ डिजाइन पॉपुलेशन साइज. तो आप देखेंगे जो भी एरियाज अनकनेक्टेड है उनको जोड़ने के लिए सबसे पहला काम किया गया, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट एरिया, हिल ट्राइबल डेजर्ट एरियाज वगैरह सबको जोड़ने के लिए, मेन स्ट्रीम से जोड़ने के लिए जो है ये स्टार्ट किया गया था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना. अब तक के जो है इसमें 5,99,000 सो लगभग 6,00,000 किलोमीटर की जो ये है रोड लेंथ है अब तक की बना जा चुकी है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है. और ये जो डेटा है वो अप्रैल 2019 का है, इंक्लूसिव ऑफ द फर्स्ट फेज एंड द सेकेंड फेज एंड द RCPL WEA स्कीम. तो इन तीनों को मिला करके जो है ये कंस्ट्रक्शन अब तक हो चुका है. अभी थर्ड फेज चल रहा है तो इसके अंदर प्रपोज किया गया है 1,25,000 किलोमीटर का जो है रोड लेंथ बनाने की. और द फंड वुड बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 60-40 बिटवीन स्टेट एंड सेंटर एंड स्टेट एक्सेप्ट फॉर नॉर्थ. इसके जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, 3 हिमालयन स्टेट है, जहाँ पर जो है ये रेशियो है 19-90-10 का, जहाँ पे केंद्र जो है 90% और राज्य 10% की लागत लगाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ persons अनएम्प्लॉयड, ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ persons अनएम्प्लॉयड का, सो इक्वल्स टू लेबर फोर्स माइनस डैश. सो नंबर ऑफ persons इक्वल्स टू लेबर फोर्स माइनस सप्लाई ऑफ लेबर, वर्क फोर्स, टोटल पॉपुलेशन या फिर पार्टिसिपेशन रेट. सो नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन इक्वल्स टू लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स, इसको याद रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द सेकेंड बिगेस्ट सेक्टर इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट आफ्टर एग्रीकल्चर. सो भारत जो कृषि प्रधान देश अभी भी कह सकते हैं लार्जली जो है बहुत अभी भी जो है बहुत सारे यहाँ पे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं गाँव में, बट एग्रीकल्चर ऑक्यूपाइज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. इन द सेकेंड नंबर which सेक्टर कम्स, सो इज इट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेक्टर, सीमेंट इंडस्ट्री, ज्वेलरी इंडस्ट्री या फिर माइनिंग. तो इसका जो आंसर है वो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम स्टार्टेड. सो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम जो है कौन से साल में इसकी जो है स्टार्ट किया गया था? 1991, 1998, 2000 या फिर 2011. सो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम जो है 1998 यानी कि 1998 में जो है स्टार्ट किया गया था. नेक्स्ट, तो थोड़ी सी बातें कर लेते हैं किसान क्रेडिट स्कीम के बारे में. ये जो किसान क्रेडिट स्कीम है ये बजट सत्र में जो कि 1998-99 में जो है अनाउंस किया गया था. मॉडल जो है इसका प्रिपेयर किया गया था नाबार्ड द्वारा और किसके रिकमेंडेशन पे किया गया था? बी गुप्ता कमिटी से. क्वेश्चंस बराबर आते हैं, एक क्वेश्चन तो आते ही आते हैं एग्जाम में. कोशिश करें जितना ज्यादा ज्यादा कमिटी पे जो है आप नजर डाल सके. आपको बिल्कुल रटना नहीं है इन क्वेश्चंस को, बिल्कुल एक दो बार जो है रिवाइज कर लेना है एंड यू शुड बी गुड. आपको याद रह जाएंगी ये चीजें क्योंकि एग्जाम भी अब काफी पास आ रहा है, 3 महीने का ही जो वक्त है आपके पास बच गया है. तो चलिए केसीसी स्कीम, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम को शॉर्ट में केसीसी स्कीम कहते हैं, इज इम्प्लीमेंटेड किसके द्वारा संचालित किया जाता है? कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक्स. सो इन सब के द्वारा जो है किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम जो है चलाया जाता है. एंड किसान क्रेडिट कार्ड होल्डर्स स्कीम जो है कवर्स द रिस्क ऑफ किसान केसीसी होल्डर्स अगेंस्ट डेथ और परमानेंट डिसेबिलिटी रिजल्टिंग फ्रॉम. सो ये चीजें जो है डेथ और परमानेंट डिसेबिलिटी कवर करती है केसीसी कार्ड स्कीम के अंतर्गत. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज रिकमेंडेशन आर बीइंग फॉलोड बाय एस्टिमेटिंग पॉवर्टी लाइन इन इंडिया. अगेन देखिए ये क्वेश्चन है जो कमिटीज के ऊपर है, तो कौन सा ऐसा कमिटी था जिसके रिकमेंडेशन पे पॉवर्टी लाइन जो है स्थापित की गई थी इंडिया पे? पॉवर्टी लाइन कैसे एस्टिमेट किया गया था उसकी रिकमेंडेशन कौन सी कमिटी ने दी थी? दत्त कमिटी, चेलिया कमिटी, चक्रवर्ती कमिटी या फिर लकड़ा वाला
कमेटी. तो इसका आंसर है लकड़ा वाला कमेटी. काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. कमेटी वाला क्वेश्चंस को आप एक सेपरेट नोट जरूर ले लें और एग्जाम से पहले इसको रिवाइज करके जरूर जाएं, बिकॉज ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कभी नहीं बदलती और स्टैटिक पोर्शन से भी काफी सारे क्वेश्चंस जो है एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ अ चेक. चेक की वैलिडिटी पीरियड क्या है? अनलिमिटेड 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू, 4 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू या फिर 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू. तो इसका जो आंसर है वो है 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू. तो पहले आप देखेंगे ये जो अवधि है ये 6 महीने होते थे और अब इसको घटा करके जो है, हालांकि काफी पुराना डेवलपमेंट है ये, तो अब जो है इसको 3 मंथ कर दिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फादर होना चाहिए. हु वाज द फादर ऑफ कोऑपरेशन. कोऑपरेशन का फादर जनक जो है किनको कहते हैं? रॉबर्ट ओवन, रिफिनसन, स्विजी या फिर नन ऑफ द अबव. तो इसका आंसर है रॉबर्ट ओवन. रॉबर्ट ओवन को जो है फादर ऑफ कोऑपरेशन कहते हैं. इसका भी ऐसे क्वेश्चंस का नोट आप जरूर ले लें, एक पेज में डायरी या फिर अपने नोटबुक के एक पेज को ऐसे डेडिकेट कर दें जहाँ पे आप नेम्स, ऑथर्स, ईयर और इसके अलावा जो है जैसे फादर हो गए किसी चीज के, तो ये सब है आप नोट डाउन लेते रहें. पर्सनल नोट लास्ट मिनट रिविजन के टाइम पे आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट फंड RIFD was instituted by which of the following? RIFD का यहाँ पे आपको फुल फॉर्म भी पता चल गया, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड RIFD. सो किसके द्वारा इंस्टीट्यूट किया गया था ये? नाबार्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या फिर RBI. तो इसका जो आंसर है वो है नाबार्ड. नाबार्ड द्वारा जो है RIFD दैट इज रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक जो है इंस्टीट्यूट किया गया था, स्थापित किया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not a public enterprise? तो इनमें से कौन सा है जो public enterprise नहीं है? Public cooperation, नाम में ही public है. Departmental undertaking, government aided voluntary organization या फिर government company. तो ये काफी simple सा question है. Government aided, यहाँ पे जो है government सहायता देती है. Government aided voluntary organization जो है public enterprise नहीं है. Next question, monetary policy is regulated by. सो इंडिया में जो है मॉनेटरी पॉलिसी कौन रेगुलेट करती है? मॉनेटरी लीडर्स करते हैं, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स करते हैं, सेंट्रल बैंक करते हैं जो कि RBI है इंडिया में, या फिर माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन. सो इसका आंसर है RBI दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारी सेंट्रल बैंक है, तो ये रेगुलेट करती है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी. फिस्कल पॉलिसी कौन रेगुलेट करती है ये कमेंट करके आप बता सकते हैं. दोनों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और एग्जाम में घुमा फिरा कर कभी एक बार जो है एक अटेम्प्ट में फिस्कल पॉलिसी, नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे मॉनेटरी पॉलिसी से क्वेश्चन. तो ये काफी इंपॉर्टेंट है. फिस्कल पॉलिसी कौन रेगुलेट करते हैं ये कमेंट करके हमें जरूर बताएं. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया. सो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, देखेंगे आप. ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी, क्या ये मेन ऑब्जेक्टिव है मॉनेटरी पॉलिसी का? मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है ये भी आपको जरूर क्लियर होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है. और तब अगर आप ये चीजें क्लियर कर लेते हैं ये बेसिक्स, तो एग्जाम में कहीं से भी घुमा फिरा करके भी क्वेश्चन पूछे तो आपका फिस्कल पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी से आया हुआ क्वेश्चन मिस नहीं होगा. हम भी ज्यादा से ज्यादा कवर करने के लिए आपके लिए क्वेश्चन ला रहे हैं. सो सबसे ज्यादा मेन ऑब्जेक्टिव क्या था मॉनेटरी पॉलिसी का? ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी, रिड्यूस पॉवर्टी एंड अचीव स्टेबिलिटी. क्या पॉवर्टी रिड्यूस करना था मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव? ओवरऑल मॉनेटरी स्टेबिलिटी, पूरी तरह से जो है मॉनेटरी स्टेबिलिटी होना चाहिए, या फिर ऑल ऑफ द अबव. इसका आंसर है ग्रोथ विद स्टेबिलिटी. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रोथ, विकास, और विकास जो है स्थिरता के साथ होना चाहिए. यही हमारे मॉनेटरी पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य है. नेक्स्ट, डिबेंचर्स आर यूज फॉर. डिबेंचर्स क्या होते हैं? काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉमर्स और मैनेजमेंट दोनों के बच्चों को ये पता होगा. कंट्रोलिंग इलीगल मनी ट्रांजेक्शन इंटरनेशनली. डिबेंचर से जो है हम इलीगल मनी ट्रांजेक्शन क्या इंटरनेशनली कंट्रोल कर पाते हैं? बाय लार्ज कंपनी टू बोरो मनी. डिबेंचर को यूज करते हैं लार्ज कंपनीज टू बोरो मनी, मनी जो है उधार लेने के लिए डिबेंचर यूज करते हैं. इंश्योर द एसेट्स ऑफ द कंपनी, कंपनी का क्या एसेट्स इंश्योर करते हैं, या फिर ऑल ऑफ द अबव. तो इसका आंसर है डिबेंचर्स आर यूज फॉर बाय लार्ज कंपनी. डिबेंचर्स आर यूज टू बोरो मनी, बोरो मनी के लिए लार्ज कंपनीज डिबेंचर्स का जो है यूज करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन जो कि है इस वीडियो का, फॉर हाउ मेनी डेज मनरेगा प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट. सो मनरेगा MNRE
जीए मनरेगा जो है कितने दिनों की एम्प्लॉयमेंट देती है, तो मनरेगा जो है मनरेगा के अंतर्गत 100 दिनों की जो है एम्प्लॉयमेंट मिलती है। मनरेगा के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है और स्पेशली मैनेजमेंट के पेपर के लिए जो कि रूरल एंटरप्रेन्योरशिप भी उनमें एक सब्जेक्ट है तो ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा, तो आपको फुल फॉर्म यहाँ से मिल जाता है मनरेगा का, ऑल्सो नोन एज महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम इज एन इंडियन लेजिस्लेशन इनएक्टेड ऑन August 25, 2005। द मनरेगा प्रोवाइड्स अ लीगल गारंटी फॉर 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ध्यान दीजिएगा 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन एवरी फाइनेंशियल ईयर टू एडल्ट मेंबर्स ऑफ एनी रूरल हाउसहोल्ड विलिंग टू डू पब्लिक रिलेटेड अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। अनस्किल्ड मैनुअल वर्क के लिए एट स्टैट्यूटरी मिनिमम वेज, जो भी मिनिमम वेज है फिक्स्ड है उस पर जो है 100 दिन की एम्प्लॉयमेंट गारंटी करती है। द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट MRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज मॉनिटरिंग द इंटायर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम इन एसोसिएशन विद द स्टेट गवर्नमेंट। सो केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर जो है मनरेगा का स्कीम जो है इम्प्लीमेंट करती है। तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। फिलहाल इस वीडियो के लिए केवल इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और अब तक कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जो है जरूर कर लें। दैट्स ऑल, थैंक यू।